सो इधर मैं आ गया हूँ टुंडे कबाबी, लखनऊ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट। 1905 से स्टेट है और अपन आज इधर आया हूँ। ये इनका ये है अंदर से रास्ता, मैं अंदर जाऊँगा अभी। थोड़ा इधर देख लो आप लोग ये कैसे बनाते हैं, फिर मैं अंदर इसका टेस्ट लेके आप लोग को बताता हूँ। और यहाँ पे बेहतरीन इन्होंने जो जो एक्ट्रेस मिले हैं, एक्टर एक्ट्रेस सबका वो किया है। अब मैं चल रहा हूँ अंदर, इधर से रास्ता, और काफ़ी बेहतरीन भीड़, ज़बरदस्त भीड़ है। मैं भी कोई एक जगह देख के बैठता हूँ, मैं तो अकेला ही आ जाऊँगा। इधर मैं बैठता हूँ अकेले, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किधर बैठता हूँ, उधर ही बैठता हूँ। इधर मैं आ गया हूँ लेकिन अभी तक कोई कुछ आया नहीं इधर मेनू। मैं थोड़ा वॉशरूम करके फ्रेश व्रेश होकर आता हूँ, फिर ऑर्डर करता हूँ। और इधर मैं वॉशरूम कर लिया, अब देखता हूँ मेनू में क्या क्या है, अपन ऑर्डर करता है। वॉइस सही आ रही है कबार बराबर? चिकन कबाब मटन, उनको यहाँ की कबाब पराठा बहुत पसंद है, वही ऑर्डर कर रहा हूँ। उसके बाद देखता हूँ और क्या है। ये मुगलाई पराठा दे रहे 15 रुपये का, कबाब पराठा कर दो छोटे। हाँ, और एक रोस्टेड कबाब हाफ कर। मैंने कबाब पराठा ऑर्डर किया और एक हाफ चिकन रोस्टेड, और बाकी आप जैसा देख सकते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा रस है, बहुत बेहतरीन खूबसूरत इन्होंने पत्थर का डिज़ाइन का बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मैं बहुत पहले आता था जब मैं यहाँ पे पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो अमीनाबाद अक्सर आता था, बट अभी पिछले 2-3 साल बाद पहली बार आज आया हूँ और देखते हैं टेस्ट कैसा रहता है। खास तौर बाहर की खुशबू देखते हैं, बाहर की खुशबू की महक काफ़ी टेस्टी लगी मुझे पहले ही जैसे। अब आते हैं टेस्ट करते हैं कैसा लगता, बताते हैं आप लोग। ब्लॉग में बने रहें। ये अमीनाबाद के पास है, टुंडे कबाबी बहुत ही फेमस है और बहुत टेस्टी भी है ऐसा सुना है मैंने। 3 साल पहले मैं तो खा चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ, उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, बट अब बनाने लगा तो सोचा इसका बना लूँ, उनका मेनू दिखाता हूँ आपको। इधर मैं अपना फ़ोन चार्ज करता हूँ जो कि काफ़ी कम 3% बचा है। फ़ोन चार्ज करता हूँ, ट्राइपॉड के ऊपर खड़ा कर दिया। वैसे GoPro की बैटरी भी काफ़ी कम है, 40% है तो चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे सफ़र करना है, मैं बैक टू इलाहाबाद जा रहा हूँ। इधर इसको डाटा केबल पर रखता हूँ, चार्ज में लगते हैं। इधर एक मैं पिक्चर क्लिक करता हूँ, इधर मैं एक पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। प्याज वाज नहीं लाओगे क्या भाई? फोन चार्ज हो रहा है, इधर हिल जा रहा है बार बार।
और ये सलाद इन्होंने दिया, दस सैलड कबाब दिया, और ये अब मैं खाता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ क्योंकि काफ़ी भूख लगी सुबह से, मैं इतना आज कुछ खा नहीं पाया। इधर थोड़ा दूर कर दो, कैसा शूटिंग हो रहा है मुझे नहीं पता। ये पराठा देखो आप, इधर ये कबाब, टॉप नंबर। इधर नींबू को मैं डालता हूँ उस पर, तक चिकन तंदूरी आया नहीं, बैठा हूँ। मैं सोचा कुछ रिकॉर्ड ही कर लूँ, बैटरी भी चार्ज हो रही है, देखिए कब तक लाता है। अपने को आज भूख बहुत लगी थी तगड़ी। इधर अपने खाली प्लेट देख सकते हैं आप लोग, इधर अपनी चिकन तंदूरी आ गई है। अब इसको उड़ाता हूँ, इधर मैं खा के निकल गया, निकल रहा हूँ। और स्वाद मुझे कबाब पराठा का स्वाद काफ़ी अच्छा लगा, बट लेकिन चिकन रोस्टेड का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगा, काफ़ी सूखा सूखा टाइप लगा। और इधर आपको थोड़ा पास से इनका मेन्यू दिखा देता हूँ, ये इनका मेन्यू कार्ड, इधर बिरयानी का, ये कबाब बना रहे ये लोग। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोग को पसंद है मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।